हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल एच डी हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास ट्वेल्थ टी एस की टेक्स्ट बुक से बुक टू चैप्टर एट कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और अभी हम पढ़ेंगे फॉर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम सो लेटस सी सम क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक सो हियर इज क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री पेनासोनिक लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड ऑन फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड टेन विथ एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुपीज़ टू लैख डिवाइडेड इन टू टू थाउजेंड इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ हंड्रेड ईच अब पेनासोनिक लिमिटेड का ऑथोराइज कैपिटल टू लैख रुपीज़ है जो कि टू थाउजेंड इक्विटी शेयर्स हंड्रेड रुपीज वाले में डिवाइडेड है वन थाउजेंड शेयर्स वेयर इशूड एज फुल्ली पेड टू द वेंडर फॉर बिल्डिंग फॉर पेमेंट ऑफ़ द परचेज कंसिडरेशन अब कंपनी ने एक बिल्डिंग खरीदी और उसका पेमेंट कंपनी ने कैश में ना दे करके शेयर्स में दिया वन थाउजेंड शेयर्स हंड्रेड रुपीज़ वाले इसका मतलब यह है कि बिल्डिंग वन लाख रुपीज़ की है द रिमेनिंग वन थाउजेंड शेयर्स वेयर ऑफर्ड टू पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज़ फ़ाइव पर शेयर पेएबल एज़ ऑन एप्लीकेशन रुपीज़ टेन पर शेयर ऑन अलॉटमेंट रुपीज ट्वेंटी फाइव इंक्लूडिंग प्रीमियम पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल रुपीज़ फोर्टी पर शेयर ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल रुपीज़ थर्टी पर शेयर अब बाकी के वन थाउजेंड शेयर्स को कंपनी ने पब्लिक को इशू किया और अलॉटमेंट के साथ में ही प्रीमियम फाइव रुपीज़ ले लिया एप्लीकेशन्स वेर रिसीट फॉर नाइन हंड्रेड शेयर्स अब ये जो इशू है ये अंडर सब्सक्राइब्ड हो गया कंपनी ने ऑफर तो किया था वन थाउजेंड शेयर्स लेकिन पब्लिक ने सिर्फ नाइन हंड्रेड शेयर्स के लिए रिस्पॉन्स दिया वेर ड्यूली अलॉटेड एंड अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव्ड इन फुल और अलॉटमेंट तक का पूरा पैसा मिल गया एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल अ शेयर होल्डर हु हैल्ड वन हंड्रेड शेयर्स फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल मनी एंड ही शेयर्स वेयर फोरफिटेड अब जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल मनी ड्यू किया तो एक शेयर होल्डर जिसके पास वन हंड्रेड शेयर्स थे वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया दी शेयर्स वेयर फोरफीटेड और इस इसलिए कंपनी ने उसके शेयर को फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफीट कर लिया मतलब सेकेंड कॉल के पहले ही कंपनी ने हंड्रेड शेयर्स को फोरफीट कर लिया दीज शेयर्स वेयर रीइशूड एट रुपीज़ सिक्सटी पर शेयर और इन फोरफीटेड शेयर्स को कंपनी ने रुपीज़ सिक्सटी में रीइू कर दिया पर शेयर रुपीज़ सेवेंटी पेडअप अब, अब देखिए यहाँ कितना रुपये पेड अप है लास्ट का अमाउंट तो कंपनी ने मांगा ही नहीं है सेकेंड एंड फाइनल कॉल मतलब वो जो फोरफिटेड शेयर हैं उनका वैल्यू भी सेवेंटी रुपीज़ ही है और कंपनी ने उसे सिक्सटी रुपीज़ में इशू कर दिया और मान लिया कि सेवेंटी रुपीज़ अप है मतलब टेन रुपीज़ डिस्काउंट है फाइनल कॉल हैज़ नॉट बीन मेड और कंपनी ने अभी तक ये थर्टी रुपीज़ का फाइनल कॉल नहीं किया है यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन्स शो हाउ शेयर कैपिटल वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी तो हमें जर्नल एंट्रीज करना है और बैलेंस शीट में भी दिखाना है कि कंपनी का शेयर कैपिटल कितने अमाउंट से शो होगा सो लेटस सी द सोल्यूशन सो सोल्यूशन सेवेंटी थ्री सबसे पहले कंपनी ने वन लाख uh, रुपीज़ के वन थाउजेंड इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं बिल्डिंग के लिए तो पहले बिल्डिंग खरीदना पड़ेगा सो तो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर वन लाख के कैसे पता चला वन लाख ,00 के क्योंकि कंपनी जो है परचेस कंसिडरेशन वन थाउजेंड इक्विटी शेयर्स हंड्रेड रुपीज वाले इशू कर रही है तो वन थाउजेंड इंटू वन हंड्रेड इज वन लाख ओनली बींग बॉट बिल्डिंग अब वेंडर को पेमेंट करेंगे परचेस कंसिडरेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना वन थाउजेंड इक्विटी शेयर्स हंड्रेड रुपीज वाले वन लाख यहीं से हमें पता चला कि बिल्डिंग की कीमत वन लाख है बीइंग परचेस कंसिडरेशन मेड इन इक्विटी शेयर्स अब बाकी के जो 1000 थाउजेंड इक्विटी शेयर्स बचे हैं उसे लेकर कंपनी पब्लिक के पास पहुंची। 1000 थाउजेंड शेयर्स ख़रीदने के लिए कंपनी ने ऑफ़र दिया और लेकिन पब्लिक ने सिर्फ 900 हंड्रेड शेयर्स पर रिस्पॉन्स किया सो एप्लीकेशन मनी पहले कंपनी के पास आएगी लेकिन 900 हंड्रेड शेयर्स पर आएगी टेन रुपीज़ एप्लीकेशन मनी पर शेयर सो नाइन थाउजेंड रुपीज़ टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट Being application money received अब कंपनी इस अमाउंट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगी सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो है वो डेबिट होके क्लोज हो जाएगा एक बार डेबिट हुआ एक बार क्रेडिट हुआ और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्योंकि कैपिटल इश्यू हो रहा है इसलिए कैपिटल जो है वो क्रेडिट होकर एक्सपेंड होगा नाइन थाउजेंड रुपीज से शेयर कैपिटल जो है वो बढ़ गया बीइंग ट्रांसफर्ड टू टू कैपिटल अकाउंट अब कंपनी अलॉटमेंट मनी ड्यू करेगी रुपीज ट्वेंटी फाइव पर शेयर जिसमें फाइव रुपीज प्रीमियम का भी इंक्लूडेड है सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिज़र्व यहाँ पर 900 शेयर्स पर कंपनी अलॉटमेंट मनी ले रही है ट्वेंटी फाइव रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से सो ट्वेंटी टू थाउजेंड फ़ाइव हंड्रेड रुपीज़ ने ड्यू किया जिसमें से ट्वेंटी uh, रुपीज़ जो है वो कैपिटल का है सो so एटीन थाउजेंड रुपीज़ कैपिटल में जाएगा और बाकी का जो फ़ाइव रुपीज़ है वो प्रीमियम का है सो इट इज़ फोर्टी फाइव हंड्रेड बींग अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम और कंपनी को अलॉटमेंट का पूरा पैसा समय पर मिल गया सो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जितना पैसा कंपनी ने अलॉटमेंट पे ड्यू किया था उतना पैसा अलॉटमेंट पे पूरा का पूरा मिल गया बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड अब कंपनी फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू करेगी सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट नाइन हंड्रेड पर कंपनी रुपीज फोर्टी पर शेयर ड्यू कर रही है सो थर्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज ड्यू बींग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू अब जब कंपनी को फर्स्ट कॉल का मनी रिसीव होने लगा तब कंपनी को पता चला कि 100 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिल पाया सो बैंक अकाउंट डेबिटेड 800 शेयर्स पर ही पैसा आएगा फोर्टी रुपीज़ टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट थर्टी टू थाउजेंड बींग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन वन हंड्रेड इक्विटी शेयर्स अब कंपनी को सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करना था लेकिन कंपनी ने यह वन हंड्रेड शेयर्स जिस पर फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं मिला है उसे कंपनी ने फोरफीट करने का सोचा अब कंपनी फोरफीट करेगी सो शेयर कैपिटल अकाउंट जो है जितने से क्रेडिट हो चुका है उसको अब कंपनी कैंसिल करेगी लेकिन 100 शेयर्स पर ही कैंसिल करेगी सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड इक्विटी शेयर कैपिटल 100 शेयर्स को कंपनी फोरफीट कर रही है और कंपनी ने अब तक सेवेंटी रुपीज़ कंपनी ने मांग लिया है इसलिए सेवेंटी रुपीज़ से शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट फर्स्ट कॉल पे हंड्रेड शेयर्स पर फोर्टी रुपीज़ के हिसाब से फोर थाउजेंड रुपीज़ नहीं मिला है और टू फोरफीटेड शेयर फोरफीटेड शेयर अकाउंट लिखेंगे इसमें वो अमाउंट आता है जिस जित जो कंपनी को मिल चुका है सो सेवेंटी रुपीज़ कंपनी कॉल्ड अप कर चुकी है उसमें से फोटी रुपीज़ फर्स्ट कॉल का नहीं मिला है सो थर्टी रुपीज़ कंपनी को मिल चुका है सो थ्री थाउजेंड रुपीज़ कंपनी ने फोरफीट कर लिए थ्री थाउजेंड ऐसे टेन रुपीज़ एप्लीकेशन का है पर शेयर और ट्वेंटी रुपीज़ अलॉटमेंट का है बस ये एप्लीकेशन और अलाटमेंट मनी ही हंड्रेड शेयर्स पर मिले हैं इसलिए थर्टी रुपीज़ कंपनी ने थर्टी रुपीज़ पर शेयर फोरफीट कर लिया बींग वन हंड्रेड इक्विटी शेयर्स फोरफीटेड यहाँ पर ध्यान दीजिए सेवेंटी रुपीज़ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कंपनी ने सेकेंड कॉल करने के पहले ही शेयर्स को फोरफीट कर लिया है और सेकेंड कॉल थर्टी रुपीज़ का है और फेस वैल्यू शेयर का है हंड्रेड रुपीज़ सो so, सेवेंटी रुपीज़ ही से ही शेयर कैपिटल अकाउंट क्लोज़ होगा और यहाँ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का कोई भी जिक्र नहीं होगा क्योंकि कंपनी को सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का अमाउंट मिल चुका है अगर नहीं मिला होता तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होकर के क्लोज़ हो जाता हंड्रेड शेयर्स का लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट के समय मांगा मांगा जाता है और शेयर होल्डर ने दे दिया है अब कंपनी ने इस इन वन हंड्रेड इक्विटी शेयर्स को फोरफिटेड इक्विटी शेयर्स को रुपीज़ सिक्सटी पे रीइू कर लिया लेकिन मान लिया कि उस पर रुपीज़ सेवेंटी पेड अप है मतलब कंपनी ने टेन रुपीज़ डिस्काउंट पर रीशू कर लिया सो बैंक अकाउंट डेबिटेड बैंक अकाउंट डेबिटेड वन हंड्रेड शेयर्स पर सिक्सटी रुपीज़ सो सिक्स थाउजेंड रुपीज़ देन इक्विटी इक्विटी शेयर फोरफिटेड अमाउंट अमाउंट डेबिटेड 100 शेयर्स पर टेन रुपीज़ क्योंकि कंपनी ने कहा है कि सिक्सटी रुपीज़ दीजिए और आपको पेड अप सेवेंटी रुपीज़ माना जाएगा इसका मतलब है टेन रुपीज़ डिस्काउंट है और ये टेन रुपीज़ जो डिस्काउंट ऑन रीइ है शेयर्स का वो फोरफिटेड शेयर अमाउंट अकाउंट से आता है कंपनी ने थर्टी रुपीज़ पर शेयर फोरफीट किया है उसमें से टेन रुपीज़ कंपनी ने उन्हीं शेयर्स को रीइू करते समय डिस्काउंट दिया है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट मतलब अब उस शेयर की कीमत कितनी है सेवेंटी रुपीज़ पर शेयर है क्योंकि अभी भी थर्टी रुपीज़ सेकेंड एंड फाइनल कॉल का आ, मांगना कंपनी के द्वारा बाकी है तो जब कंपनी सेकेंड एंड फाइनल कॉल मांगेगी तो इन रीइश्यूड शेयर होल्डर्स से भी कंपनी सेकेंड एंड फाइनल कॉल मानेगी मांगेगी इस तरीके से कंपनी का पूरा फेस वैल्यू हंड्रेड रुपीज़ रिसीव होगा बींग वन हंड्रेड इक्विटी शेयर्स रीइश्यूड एट डिस्काउंट अब बाकी के अमाउंट को कंपनी फोरफीटेड अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेगी सो फोरफीटेड इक्विटी शेयर डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व हंड्रेड शेयर्स पूरे के पूरे रीइू हो चुके हैं और कंपनी ने थर्टी रुपीज़ फोर फीट किया था पर शेयर उसमें से टेन रुपीज़ कंपनी ने रीइू के समय डिस्काउंट दे दिया तो पर शेयर ट्वेंटी रुपीज़ बच गया है और यही रुपीज़ कैपिटल रिज़र्व में ट्रांसफ़र होगा बीइंग ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिज़र्व सो दिस इज़ द सोल्यूशन यहाँ फोर इक्विटी शेयर्स अकाउंट है इससे शेयर फोर फीचर अकाउंट भी कह सकते हैं सो डोंट गेट कन्फ्यूज विथ दैट अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट क्योंकि क्वेश्चन में कहा है फ़ाइनल कॉल हैज़ नॉट बीन मेड तो हमें फाइनल कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है इतने ही इन्फॉर्मेशन के साथ बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कितने से और कैसे शो होगा ये हमें बताना है नाउ नोट्स टू अकाउंट में पहले रहेगा शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल में सबसे पहले ऑथोराइज ऑथोराइज कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल में कंपनी के पास है ट्वेंटी थाउजेंड नॉट ट्वेंटी थाउजेंड टू थाउजेंड इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज वन था वन हंड्रेड ईच तो ये हो गया टू लाख दिस इज द रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल उसके बाद इश्यूड कैपिटल इशूड कैपिटल में कंपनी ने पूरा का पूरा टू थाउजेंड इक्विटी शेयर इश्यू कर दिया है वन थाउजेंड इक्विटी शेयर बिल्डिंग के लिए किया है और दूसरा वन थाउजेंड शेयर पब्लिक को ऑफर किया था सो टू थाउजेंड इक्विटी शेयर्स ऐट द रेट ऑफ रुपीज़ हंड्रेड ईच सो ये भी टू लैख का हुआ अब नेक्स्ट है सब्सक्राइब्ड कैपिटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल में जो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल में नाइनटीन हंड्रेड शेयर्स हैं इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज हंड्रेड ईच वो इसलिए क्योंकि कंपनी ने 1000 इक्विटी शेयर से तो बिल्डिंग खरीदा था और दूसरा 1000 इक्विटी शेयर पब्लिक को ऑफ़र किया था उसमें से 900 शेयर्स पर ही पब्लिक ने रिस्पांस दिया था तो सब्सक्राइब 19 हालांकि इशू 2000 इक्विटी शेयर हुआ था लेकिन पब्लिक ने सब्सक्राइब कितना किया था 1900 इक्विटी शेयर्स को सो वन लैक नाइन्टी थाउजेंड इसे भी ब्लॉक कर देंगे चारे है। चारे है। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में ही एक और कैपिटल आएगा सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप कैपिटल सो लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप कैपिटल कॉल्ड अप एंड पेड अप भी है सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल में लिखेंगे पहले वन थाउजेंड इक्विटी शेयर्स इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ हंड्रेड ईच कॉल्ड अप एंड पेड अप ये जो है ये बिल्डिंग के लिए कंपनी ने इश्यू किया था और उस पर पूरा का पूरा अमाउंट कॉल्ड अप एंड पेड अप था क्योंकि वन लाख रुपीज़ की बिल्डिंग पूरी मिल गई थी और बाकी का जो नाइन हंड्रेड शेयर्स है नाइन हंड्रेड इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज हंड्रेड इच इसमें क्या हुआ था रुपीज सेवेंटी कॉल्ड अप एंड पेड अप यह हो जाएगा सिक्सटी थ्री थाउजेंड तो हमें बैलेंस शीट में वन लैख सिक्सटी थ्री थाउजेंड ही दिखाना है शेयर कैपिटल के, के जैसे यही अमाउंट जो है वो बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा और बाकी के जो डिटेल्स हैं वो सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में ही दिखेगा सेकेंड नोट्स टू अकाउंट रहेगा रिजर्व एंड सरप्लस रिजर्व एंड सरप्लस में पहला आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में 900 शेयर्स जो कंपनी ने पब्लिक को इश्यू किया था उसी पे कंपनी को प्रीमियम मिला है फाइव रुपीज के हिसाब से 4500 और दूसरा है कैपिटल रिजर्व सो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कितना ट्रांसफर हुआ था 2000। सो so, रिजर्व एंड सरप्लस में लिखेंगे सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिर थर्ड है फिक्स्ड एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल एसेट उसमें आएगा बिल्डिंग बिल्डिंग वन लाख रुपीस का कंपनी ने खरीदा था फिर फोर्थ आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसमें आएगा कैश एट बैंक कैश एट बैंक सारे बैंक के डेबिट को चेक करेंगे तो आएगा सिक्सटी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट फर्स्ट वी हैव टू मेंशन ऑल द लाइबिलिटीज सो हमने जो नोट्स टू अकाउंट बनाया था उसमें फर्स्ट है शेयर कैपिटल वो आया था वन लाख सिक्सटी थ्री थाउजेंड फिर सेकेंड नोट्स टू अकाउंट में लिखना है हमको रिज़र्व एंड सरप्लस जिसमें दो चीज़ें थी एक तो कैपिटल रिजर्व था और दूसरा था सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व दोनों को मिलाने से सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड का नोट्स बना था मतलब ग्रैंड टोटल है वन लाख सिक्सटी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ओके अब उसी के नीचे एसेट्स का लिस्ट बनता है सो तो एसेट्स कितने हैं पहले तो कंपनी ने थर्ड नोट्स टू अकाउंट में हमने देखा बिल्डिंग खरीदे हैं परचेज ऑफ बिल्डिंग वन लाख का और फोर्थ नोट्स टू अकाउंट में कैश एट बैंक है जो है सिक्सटी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो इधर का ग्रैंड टोटल भी आया वन लाख सिक्सटी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो दिस इज हाउ द बैलेंस शीट इज टू बी प्रिपेयर आई होप दैट योर कॉन्सेप्ट आर गोइंग क्लियर एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट Or any suggestion, you please mention it in the comment section. Please like, subscribe, and share the channel. Thank you so much for watching.